मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव की जो है तैयारियां पूरी तरीके से जोर शोर में हर कैंडिडेट अपने चुनाव प्रसार में जुट चुका है क्योंकि चुनाव में अब मात्र कुछ दिन ही बचे हैं ऐसे में अगर हम बात करें तो मीरा भाईंदर के विकास का किस तरह से काम हुआ है इसके पहले जो लोग सत्ता में थे कितना विकास किए हैं इस पर भी हम जायज़ा लेंगे साथ ही जानेंगे कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो किस तरह से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं हमारे साथ एक उम्मीदवार हैं जिनका नाम है दयानंद वसंत शेड़े ये जो सेड़ी ये जो है अपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड प्रभाग दो दिन से जानते हैं कि क्या कुछ विकास के नाम पर ये काम करेंगे अगर यहाँ की जनता इनको चुन के देती है सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आप अपक्ष लड़ रहे हो क्योंकि आपने कई वर्षों तक शिवसेना में शाखा सा, सा, प्रमुख थे आखिर वजह क्या हुई कि आज अपक्ष लड़ना पड़ रहा है वजह यही हुई कि जो आ, इनके साथ में राष्ट्रवादी के साथ में जो उनका ये हो गया गिलवन मंडोसा साहब आ गए तो यहाँ पे राष्ट्रवादी के गिलबर्ट मंडोसा साहब के दो सीट दिए गए और बीजेपी के जो हमारे पास आए गए उनको दो सीट दिए गए जो यहाँ के स्थानिक जो थे तो उनके ऊपर मेरे ख्याल से अन्याय हो गया इसलिए मुझे मैं अपक्ष के लिए मैं अपना नसीब आजमा रहा हूँ अगर जनता आपको आखिर वोट क्यों देगी जनता आपको वोट क्यों दे क्योंकि तो गए पंद्रह साल से मैंने जनता के लिए यहाँ पे बहुत कुछ काम किया है जय उदाहरण के लिए मैंने बंदरवाड़ी स्मशान भूमि के लिए मैं अभी तक लड़ रहा हूँ दूसरी बात मैंने इसी चंदन पार्क एरिया में मैं मेरा सीमेंट कंक्रीट का रोड का मेरा प्ला प्लान प्ला, पास हो गया ला, है तेरह लाख रुपए पास हो गए हैं और दूसरी बात यहाँ का पानी की समस्या मैंने उसको सुलझा दी है और दूसरी बात और एक है कि चार इंच की पाइपलाइन की जगह पे मैंने आठ इंच की पाइपलाइन जो आपको अभी द, दिखा देता हूँ पाइपलाइन पड़ी चुकी है आचार संहिता के वजह से वो काम रुका पड़ा है और दूसरी बात शहर में स्वच्छता अब मेरा एक ही ध्यास है प्रभाग इसमें एक ही ध्यास है प्रभाग का विकास यही मेरा ध्यास प्रभाग का विकास यही आपका ध्यान होगा लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जनता के बीच क्या क्या मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं वोट मांगने क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। बचे हैं बराबर है मेन मुद्दे है यहाँ का ट्रैफिक का जो कि बहुत समस्या से हल है और दूसरा मुद्दा है यहाँ के गंदगी और जो टाइम पे टाइम गटर और ये साफ नहीं हो रहे उसके लिए और तीसरी बात है यहाँ पे जो इनका भाजी वालों का फेरी वालों का ये मुद्दा बहुत इसके ऊपर है गहन है तो इस ये मेन मुद्दे हैं और पानी की तो समस्या अभी तो नहीं है फिलहाल तो अभी तो यानी अच्छी तरह हो गया तो समस्या क्या सबसे ज़्यादा यानी साफ़ सफाई आरोग्य इसी मुद्दे पर हूँ मैं ज़्यादा जोर दूंगा दयानंद जी जैसे आपने कहा अगर हम बात करें तो वाटर गटर मीटर की समस्या को लेकर कैंडिडेट तभी जाते हैं जब चुनाव नज़दीक आता है लेकिन क्या आप यहाँ के जनता के लिए अपने प्रभाग की जनता के लिए क्या कुछ अलग मुद्दा लेकर जाएंगे यस yes, मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि जो गटर का जो लाइन है ड्रेनेज ये अंडर रोड से जाना चाहिए डायरेक्ट उनको वहाँ पर जाना चाहिए और दूसरा मुद्दा है स्वच्छता स्वच्छता के लिए मैं और मैं गए दो तीन साल से इस मुद्दे के ऊपर ज़ोर शोर से मैं क्योंकि मैंने बहुत कुछ मुद्दे ऐसे का उठाए हैं जो मैंने अपने पर्चे में लिखा हुआ है मैंने वैद्यकीय शिविर का आयोजन किया है बंदरवाड़ी स्मशान भूमि हटाने के लिए मेरा पीछा चल रहा है साफ़ सफाई अभियान का आयोजन किया गया है शाले विद्यार्थियों के लिए मैंने बहुत कुछ साहित्य और बुक नोटबुक बांटने का भी काम किया है गणेशोत्सव और नवरात्र उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करता हूँ भाईंदर रेलवे स्टेशन में जो वैश्य व्यवसाय व्यवसाय चला था उसको मैंने पुलिस और रेलवे प्रशासन की तरफ से उसको रोक लगाने का पूरा कोशिश किया उसमें मैं सक्सेस भी हुआ फिर भी अभी वापस उसका ये कर रहे हैं तो उसके लिए और भी मैं ये करूँगा लेडीज़ महिलाओं के लिए विविध कार्यक्रम का आयोजन कर रहा हूँ और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा है सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है 102 आरक्षण जो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा ये वो वहाँ पे जो ओसवाल बिल्डर है उन्होंने जो बिल्डिंग बांध दी है उसके आरक्षण के वजह से हमारे जो आजू बाजू के जो रहवासी और सोसाइटी है उनको न्याय दिलाने के लिए मैं आरक्षण बचाव समिति के माध्यम से मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ और मेरे पास आने वाले जितने भी कंप्लेंट्स हैं वो नगर पालिका गए हो या पुलिस स्टेशन के हो मैं उनको मेरी तरफ से न्याय देने का पूरा कोशिश करता हूँ आ... इस तरह से जैसे आपने पंपलेट में जो डाला है ये सभी कैंडिडेट लगभग लगभग सभी कैंडिडेटों का यही वादा होता है कि अगर हम यहाँ पर जीत के आएंगे तो हम वाटर गटर मीटर की समस्या से आपको निजात दिलाएंगे लेकिन अगर हम बात करें तो आप जैसे आपने शिवसेना में कई साल गुजारे शिवसेना के शाखा प्रमुख रहे लेकिन आपकी पार्टी में राष्ट्रवादी से गए गिलबट मंडेसा की क्या फ्यूचर देखते हैं क्या भविष्य देखते हैं गिलबर्ट मंडेसा के नहीं उनका एक तो वो यहाँ के राजा ही जैसे थे ना नहीं बोल सकते उनको मानने वाला वर्ग बहुत बड़ा है तो उनके छवि अच्छी है और उनके आने से शिवसेना में और ताकत बढ़ी है घटी नहीं है बढ़ी है लेकिन हम जैसे जो कार्यकर्ता जो जमीनी से यानी ग्रासवुड से है उनके ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ा सा अन्याय हुआ है बस यही मेरा कहना है बाकी को हमें उनके बारे में कुछ बोलना नहीं है लेकिन वो तो हर कोई मानता है और दूसरी बात है कि आपने जैसा बोला कि हर कोई कैंडिडेट इसके सब मैं प्रूफ दे सकता हूँ जितने मैंने ये किए मैंने जितने पत्र व्यवहार किए जितने मैंने मुख्यमंत्री से भी पत्र व्यवहार करके इस स्मशान भूमि के लिए मुख्यमंत्री साहब से राजन विचारे के थ्रू खासदार अपने राजन विचारे साहब है उनके थ्रू मैंने मुख्यमंत्री के पास भी पत्र भेजा है वहाँ से इसके बारे में चर्चा चालू है आप इनकी बात से कितना सहमत हैं क्या लगता है मीरा भाईधर का विकास हुआ है संपूर्ण सहमत हूँ मीरा भंदर में जो किलबर्ट मेंडोसा जी के काल में जो हुआ था विकास वो उस विकास को थोड़ा रोक दिया गया है उनके थोड़ा गैप हो गया तो वो नहीं होना चाहिए था इस वक्त जो मीरा भंदर में भूमाफिया राज कर रहे हैं बहुत सारे भूखंड हैं जो आरक्षण थे वो उन्होंने हड़प कर लिए हैं अपने नाम पे करवा लिए हैं कि हम इसका विकास करेंगे और वहाँ गैर फायदा उठा रहे हैं एक तो ये है सबसे बड़ा काम यही है इनको हटाना चाहिए और ज़्यादातर जो अभी प्रशासन में थे वो लगभग बिल्डर लॉबी वाले ही थे वो इस बार नहीं आने चाहिए दूसरी बार नहीं आने चाहिए आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे दयानंद जी के बारे में दयानंद जी ने करीब करीब जो जितनी भी जनता की समस्याएं थी उनके ऊपर प्रकाश डाला है लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे मीरा भर में भाजपा जो पार्टी है वो मोदी जी के उच्च आदर्शों से बिल्कुल भटक गई है यहाँ पर आमदार मेहता एक साधारण व्यक्ति था और आ, मोदी जी की हवा में आमदार बनते ही वो लाया साढ़े पाँच करोड़ की विदेशी कार लाया है ऐसी कार आज के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के पास भी नहीं होगी और अब तक शायद उसकी संपत्तियों का ग्राफ अरबों रुपए के पार चला गया है अब कहाँ से इतनी संपत्ति आई हम देख रहे हैं कि लालू जी के ऊपर तो सी की गाज गिर जाती है वाड्रा के ऊपर सी की गाज गिर जाती है लेकिन जो यहाँ के आमदार भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता हैं, इनके ऊपर पता नहीं कब सीबीआई की गाज गिरेगी अब यहाँ पर देखने में मीरा भेंद्र में ये आया है कि पिछले समय में इन्होंने काफ़ी मंदिरों पे भी हथौड़ा चलवा दिया विकास की झूठी आड़ लेकर के निर्धन गरीब जो यहाँ के लोग थे उनके भवनों को भी जमीन दोज कर दिया उनके भवन भी तुड़वा दिए गए इस तरह से मतलब लोगों की जो एक आस्था बनी हुई है धर्म के प्रति उन्होंने शिवालय और मंदिरों पे भी हथौड़ा बजवाते हुए शर्म महसूस नहीं की अब आगामी जन आगामी चुनाव में यहाँ की जनता इनको जवाब देगी कि यहाँ के गिलबर्ट मेंडोसा जो है जो आज शिवसेना से मिल रहे हैं उनके साथ में छत्तीस कौम यहाँ की है वो ये समझ लीजिए मीरा भेंद्र के मोदी जी हैं महापुरुष हैं गिलबर्ट मेंडोसा और यहाँ की जनता को विकास का सपना उन्होंने ही दिखाया सदा से वही यहाँ के प्रथम नगराध्यक्ष रहे वही प्रथम विधायक यहाँ के रहे आज यहाँ की जनता उनके एहसानों को कभी भूल नहीं सकती है आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे दयानंद जी के बारे में सर जो अभी दयानंद सर जी अभी जो ये निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं मैं अभी जस्ट देखा हूँ मैं पहले सर अभी बोले कि मैं शिवसेना में था अभी शिवसेना से कैसे इसमें आगे निर्दलीय क्यों हो गए ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही ट्रूथ ट्रूथ ये बात वो खुद दयानंद जी बताएंगे कि अभी जैसे उन्होंने पूछा कि आखिर शिवसेना छोड़कर निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ रही है ये क्वेश्चन मेरा पहले भी था आज आपके जनता ही पूछ रही है वही क्या हम पे हुआ हुए अन्याय के लिए मैंने अपने किए हुए काम के वादे के ऊपर मैं अपना नसीब भजवाना चाहता हूँ और मैं मुझे पूरा यकीन है और विश्वास है कि मेरी प्रभाग दो से मुझे मेरी जनता मुझे हंड्रेड परसेंट जिता के देगी आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया आप क्या कुछ सवाल आप, है एक, आप एक, एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब इलेक्शन आते हैं तब ऊपर लेवल से जो नेता लोग दखल देते हैं वो ठीक नहीं है हम लोग यहाँ उम्मीदवार जो चुनते हैं वो भ्रष्ट नहीं होना चाहिए स्वच्छ होना चाहिए जबकि ऊपर से ऐसा दबाव आता है वो लोग किसको टिकट देते हैं वो फैसला न, उनको नहीं करना चाहिए वो यहाँ के जिला अध्यक्ष पे छोड़ देना चाहिए अब ये शाखा प्रमुख थे इन्होंने कितनी मेहनत की होगी आज इन्होंने क्या किया मैं इनका विरुद्ध नहीं हूँ शिवसेना विरुद्ध नहीं बीजेपी किसी पार्टी विरुद्ध नहीं हूँ लेकिन आज मैं अगर वर्षों से तपस्या करता हूँ कि पार्टी मेरे लिए कुछ करेगी है, मैं पार्टी के लिए कुछ कर रहा हूँ या लोगों की सेवा कर रहा हूँ और एन वक्त पे मुझे हटा दिया जाए तो कैसा लगेगा सर तो दयानंद जी के लिए ये अलग था इसके लिए अपक्ष खड़े हैं और इन जनता इनके साथ में है और पार्टी को भी इनकी शक्ति का बाद में पता चलेगा ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं चले जाएंगे या पार्टी कहीं चली जाएगी उनके तो तो आप कुछ कहने वाले थे। मैं ये कहने वाला था एक तो मंदिरों पे हथौड़ा चलवा करके तमाशबिन बने रहे यहाँ के आमदार नरेंद्र मेहता और दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ का भू माफिया है शिक्षा माफिया है जो काले धन के कुबेर हैं उनके धंधों को सरकारी संरक्षण दिलवाते हैं अब अपने नरेंद्र मेहता जी विधायक बन करके जो अत्यंत निंदनीय है उनके ऊपर हथौड़ा नहीं चलता मनपा का क्योंकि वो माल पहुंचाते हैं यहाँ के आमदार को या सरकार में बैठे मंत्रियों तक वो लोग माल पहुंचाते हैं उन्होंने एक शिक्षा माफिया को बचा दे के लिए मोदी जी की मोदी जी के, के उच्च आदर्शों को भी पे लगा दिया है नरेंद्र मेहता ने इसलिए जनता को साफ प्रतीत होता है कि नरेंद्र मेहता जी जो यहाँ के आमदार हैं वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं आपसे जानना चाहेंगे आखिर जनता एक बार किस तरह से आप जनता से अपील करेंगे अपने प्रभाग की जनता से मेरे प्रभाग की जनता से एक ही अपील होगा आप निस्वार्थ निष्कलंक ऐसे उम्मीदवारों को चुन के दीजिए और कुछ नहीं है यही एक है जो आपके काम आए बिल्कुल हर कोई ये चाहता है कि हम ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो हमारे सुख दुख हमारे हर विकास में सहयोग करे यहाँ पर जिस तरीके से हमने प्रभाग दो की बात की यहाँ से जो दयानंद जी हैं अपक्ष उम्मीदवार हैं उनका साफ तौर से कहना है कि हम अपने काम और अपने विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उसी एजेंडे पर वो वोट की अपील कर रहे हैं बहरहाल देखना ये होगा कि मीरा भाईंदर में किसका परचम लहराता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा कैमरामैन दयानंद के कैमरामैन देवानंद के साथ प्रदीप शर्मा इन ट्वेंटी फोर न्यूज़ भाईंदर